अगर 5 केजी एप्पल 450 रुपए के हैं तो 1 केजी एप्पल कितने रुपए का होगा? आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग दो दो तरीका देखने वाले हैं। हम लोग मैन्युअली कागज कलम से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उसको भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि कैलकुलेटर में फ्रेंड्स हम क्या एंट्री करेंगे और कैसे ये हमारा आएगा। तो आइए सबसे पहले हम देख ले रहे हैं अपना मैन्युअली तरीका। तो देखिए यहां पर हमें हिसाब क्या बताया गया है, 5 केजी एप्पल 450 रुपए के हैं। तो चलिए हम यहां लिख ले रहे हैं, अब देखिए हमें 1 केजी का दाम निकालना है। तो आपको हिसाब में जितना केजी दिया हो फ्रेंड्स आप क्या कर दीजिए, आप उसी का बटा कर दीजिए, ठीक है, उसी से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 5 और यहां पे 5 से जब काटेंगे तो 5 9 45 और ये 0 यहां पर बच जाएगा। इस तरह से यहां पर क्या क्या बचा है, तो देखिए यहां 1 केजी बचा है और यहां पर 90 रुपए बचा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा इससे निकल करके आ गया 1 केजी का दाम कितना है, 90 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से किलोग्राम निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर ट्रिक की, कैलकुलेटर से हम क्या एंट्री करेंगे और कैसे हम किलोग्राम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो कैलकुलेटर ट्रिक फ्रेंड्स यही कहता है कि आप जो निकालने वाले हैं, जो रिजल्ट निकल करके आने वाला है फ्रेंड्स कैलकुलेटर में से, वो क्या आएगा, कितना रुपए, समझिए इसको, कितना रुपए। तो इसके लिए रुपए निकल करके आएगा, तो जो भी आपको हिसाब बताया गया है उसमें से रुपए वाला सबसे पहले एंटर करेंगे। तो 1 केजी का जो दाम है, प्राइस है, 1 केजी का प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां भाव का रुपए सबसे पहले आपको एंटर करना है। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहां मात्रा एंटर करेंगे और ये मात्रा केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितने केजी जो मिले हैं वो कितने रुपए के मिले हैं, भाव पहले एंटर करके डिवाइड करेंगे मात्रा से, तो हमारा केजी का प्राइस आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1 केजी की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, तो देखिए इसका भाव कितना है, भाव का जो रुपए यानी जो हिसाब बताया गया 450, तो टोटल 450 यहां एंटर कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही डिवाइड लगाकर आप यहां एंटर करेंगे 5, तुरंत आपका केजी का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये 90 क्या है, रुपए हैं, 1 केजी का प्राइस है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग ले लेते हैं इसी पर, क्वेश्चन नंबर 2। सेब, सेब के बजाय हम चलिए ले लेते हैं संतरा, क्या ले लेते हैं, ऑरेंज। अब मान लीजिए ऑरेंज है फ्रेंड्स, और ऑरेंज जो है 4 केजी है, 4 केजी है 160 रुपए का, कितने का है, 160 रुपए का। और हमें क्या निकालना है, हमें 1 केजी की प्राइस निकालनी है कि 1 केजी का प्राइस कितना होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अपना हिसाब। तो हमारा हिसाब क्या है, हमारा हिसाब यह है कि टोटल हमें 4 केजी मिला है ऑरेंज और ये कितने का है, 160 रुपए का। अब बताइए फ्रेंड्स आप दिमाग लगाकर बताइए आपको किससे डिवाइड करना है, जितने केजी है उसी से डिवाइड करना है दोनों में। तो यहां 4 केजी है तो 4 से ही हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये कट गया, 4 1 4 और यहां 4 4 16 और ये 0 बचा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए बचा क्या क्या, 1 केजी बराबर 40 रुपीज, यानी कि 1 केजी जो है फ्रेंड्स वो कितने का होगा, 40 रुपए का होगा। अब आइए फ्रेंड्स इसकी हम लोग कैलकुलेटर एंट्री भी कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये क्वेश्चन 1 का था, 2 का। तो यहां पर हमें 1 केजी की प्राइस कैसे मिलेगी फ्रेंड्स, तो 1 केजी की प्राइस के लिए यहां पर जो टोटल रुपए हमें देने पड़े कितने, क्योंकि हमें रुपए निकालना है तो रुपए के लिए हिसाब का रुपए यानी 160 सबसे पहले हमें एंटर करना है। फिर हम डिवाइड एंटर करेंगे, अब कितने में मिल रहे हैं, 4 केजी। ऐसे ही हम यहां 4 एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 40 रुपीज। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किलोग्राम आसानी से
निकाल सकते हैं, चाहे तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या मैनुअली हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती है आपके कमेंट्स पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज, जो आपके दैनिक हिसाब किताब को सरल बनाती है और आपको हिसाब किताब में तेज करती है। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।